हाय गाइस, वेलकम टू द हिमालय हाइकर। मेरी जर्नी शुरुआत हो रही है अभी यहाँ से राजेंद्र नगर टर्मिनल से, पटना का राजेंद्र नगर टर्मिनल। पटना में ही एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, इसको राजेंद्र नगर टर्मिनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे बना हुआ है। अभी मैं यहाँ पे टर्मिनल पे खड़ा हूँ, देख रहे हैं पीछे स्टीम लोकोमोटिव का एक मेमोरी में बनाया गया। पटना के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, महावीर मंदिर के बगल। और आज का दिन है 14 नवंबर, आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ तो, और आज दीपावली भी है और आज चिल्ड्रंस डे भी है। मेरी शुरुआत हो रही है अभी ऐसे, ट्रेन है 11 बजे से और मैं जा रहा हूँ अभी सिक्किम। वैसे तो ट्रेन जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी तक, नाम भूल गया था। वैसे मैंने ट्रेन का जब टिकट करवाया था तो ट्रेन के टिकट पे जो है टाइमिंग नहीं मेंशन किया हुआ था, इसलिए मुझे बहुत जल्दी आना पड़ा। मैं लगभग 9 बजे के करीब यहाँ पे आ गया था अपने रूम से, और मुझे और अभी लगभग 2 घंटे बाकी है ट्रेन को खुलने में। मैं अभी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब कब ट्रेन खोले, तब तक मैं यहाँ पे घूम रहा था। वैसे अभी कोई सारा चीज़ खाली है, पूरा स्टेशन खाली नज़र आ रहा है, पीछे देख सकते हैं किसी को एक आध दो पुलिस वाला नज़र आएगा। फटाके, दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है। वैसे तो दिल्ली बहुत सारे जगह पे, दिल्ली हरियाणा ये सब जगह पे प्रदूषण के कारण पटाखा बंद कर दिया गया। वैसे ट्रेन आ चुकी है, प्लेटफार्म पे लगी हुई है, मुझे जा कर के वहाँ पे बस बैठना है। और ये है आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा, और ये मेन गेट है, यहाँ पे कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। चलो तो ट्रेन में चलते हैं। और अभी मैं प्लेटफार्म नंबर 1 पे हूँ, सामने ट्रेन लगी हुई है। ये एसी है, मेरा S6 में है सीट, कुछ इस तरह से पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है। चलता हूँ मैं अपने बोगी में। फाइनली तो मैं अपने कोच के पास आ गया हूँ, मेरा कोच नंबर है S6। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुले गई है गाड़ी, और लगभग 8 बजे ही आकर के गाड़ी लग गई थी। ये सामने फर्स्ट नंबर पे ही मेरा सीट है वहाँ पे इस ट्रेन में। पहले मैं बहुत बार ट्रैवल किया हूँ अपने यहाँ से ट्रेन से, तो बहुत कुछ अब बदल चुका है। मैं लगभग 4-5 सालों के बाद पहली बार रिजर्वेशन में बैठ करके जा रहा हूँ, और ट्रेन में बहुत सारा भी बदलाव देखने को मिला, बहुत ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है भाई। ट्रेन की स्पीड तो इंडिया में गजब की है। ऐसे आप इंडिया से हो और ख़ासकर बिहार से, तो आपको पता होगा कि इंडिया के में जो बिहार का ट्रेनें हैं वो कितनी लेट चलती है। हालांकि इधर आजकल जो है वो पिछले कुछ सालों से, 1 सालों से ट्रेन की स्पीड में सुधार हुई है। अब 1 साल से तो वैसे भी ट्रेन बंद ही थी COVID-19 की वजह से, लेकिन ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा अभी सुधार हो चुका है। लेकिन आप इमेजिन करो कि यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी का डिस्टेंस है 490 किलोमीटर, अप्रॉक्स 490 किलोमीटर, अप्रॉक्स 500 किलोमीटर मान लो, और उसको ट्रैवल करने में आप गेस करो कितना टाइम लगा सकता है ट्रेन। 4 आवर्स मैक्सिमम, 5 आवर्स। अभी ये 11 बजे खुलेगी और कल दोपहर 12:15 पे ये पहुँचेगी न्यू जलपाईगुड़ी में। लगभग 490 किलोमीटर मतलब इसको ट्रैवल करना है, तो सोच लो इसे रफ्तार किया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ट्रेन चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स हम स्पीड मान के चलते हैं इसको ट्रैवल करने में लग रहा है। ये स्पीड है भाई इंडिया की ट्रेन की। और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन में पता नहीं क्या होगा, इसका स्पीड कैसे चलेगा। वैसे कुछ ट्रेनें हैं इंडिया में जो बहुत टाइम पे चलती हैं, लेकिन इतना फास्ट नहीं है, 100 किलोमीटर के आसपास उसका स्पीड रहता है। राजधानी है और KS Express है, शताब्दी है, ये सारी ट्रेनें हैं जो कुछ उसका स्पीड शायद टाइम पे रहता है और टाइम पे पहुंचती भी है, और स्पीड भी उसका सही से ठीक ठाक रहता है। इससे पहले जब मैंने रिजर्वेशन से ट्रैवल किया था तो 3 साल पहले ही मैंने ट्रैवल करना शुरू किया था, 3 साल पहले मैंने रिजर्वेशन करना शुरू किया था जब मुझे जाना था। हाँ, मेरा दोस्त था नवीन, इसने रिजर्वेशन किया था, साउथ गया था, तिरुपति बालाजी।
दूसरा एग्ज़ाम था रेलवे का। और वैसे नवीन थैंक्स, नवीन की वजह से मैं रिजर्वेशन में ट्रैवल कर पाया था, वो थैंक्स नवीन, आई मिस यू अलॉट, अगर वीडियो देख रहे हो तो। अभी वो मेरे साथ नहीं रहता है, शायद वो लखनऊ में है अभी। वैसे कल तक मैं पहुँच जाऊँगा सिलीगुड़ी नहीं, दार्जिलिंग पहुँच जाऊँगा कल, और फिर कल दार्जिलिंग घूम लूँगा, कल या परसों दार्जिलिंग घूमूँगा, उसके बाद फिर सिक्किम निकलूँगा। सिक्किम में देखता हूँ क्या है नहीं है, कैसे हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गाइडलाइंस सिक्किम टूरिज्म की तरफ से कुछ ज़्यादा ही पटाखा फूट रहा है यहाँ पे। वैसे मैंने अराइवल कार्ड बनवा लिया है। वैसे हाँ, अभी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो सिक्किम में इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वक्त सिक्किम में जाने के लिए एक अराइवल कार्ड बनवाना पड़ता है। तो आपको सिक्किम टूरिज्म से आपका ये अराइवल कार्ड बन जाएगा। अराइवल कार्ड बनाने के लिए आपको बुकिंग, होटल बुकिंग होना चाहिए, और आप कहाँ पे रुक रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिमांड कर रहा है, और इसके साथ साथ कोविड-19 का रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट भी होना चाहिए। वैसे रिपोर्ट अगर वो साथ में नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऐसा मेंशन किया है कि आप कोविड-19 का रिपोर्ट अपने साथ लेकर के जाएंगे। हालांकि मैंने तो कोविड का रिपोर्ट नहीं करवाया अभी तक, टेस्ट नहीं करवाया, क्योंकि मैंने इनका लगभग 6-7 महीने से तो कहीं बाहर निकला भी नहीं। देखता हूँ वहाँ जाने के बाद क्या होता है, एंट्री कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो अब ट्रेन निकल चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ सोने, कल सुबह मिलते हैं। ये यार्ड है राजेंद्र नगर यार्ड। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 7 बजे और अभी अभी ट्रेन चली है कटिहार से। वैसे 6:30 बजे ही पहुँच गए थे कटिहार जंक्शन, वैसे इसका टाइमिंग था 7 बजे पहुँचने का, अभी टाइम हो रहा है शायद 7:30।
का बस अब जलपाईगुड़ी पहुँचने वाला हूँ, 10 मिनट में, 7 किलोमीटर है यहाँ से। जैसे ही एंटर किया था वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे मैं पहली बार चाय का दुकान हो रहा, चाय पत्ती का खेत और अनारस का खेत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी और फिर वहाँ से मुझे जाना होगा सिलीगुड़ी बस पकड़ने के लिए दार्जिलिंग के लिए। फाइनली जलपाईगुड़ी पहुँच गया।